2012 में। हाँ दुनिया क्या होता है? दुनिया का अंत होता है। ये आपके कान में किसने कहा है? शास्त्रों में बोला गया। आज तक ये शास्त्रों में ये बात किसी ने पढ़ी नहीं? 2000 साल से शास्त्र चलते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, और आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। किसी ने बताया क्या है? शास्त्रकारों की तो बात नहीं है ये, तो तुम झूठ बोल रहे है? है? ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी ये बात नहीं बोल रहे? ब्राह्मणों की दुनिया में तो वो ही बात बोलेंगे जो ब्रह्मा के मुख से बोली हुई होगी, और ब्रह्मा के मुख से ऐसी कोई वाणी निकली नहीं जिसमें ये साबित हो कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों की जो वाणी है ब्रह्मा के द्वारा मिल रही है, उसमें तो बताया है संगम युग 100 साल का, तो 2036 में पूरा होगा। जब तक संगम युग है तब तक नई दुनिया भी है और पुरानी दुनिया भी है, दोनों का संगम होगा। पुरानी दुनिया खलास नहीं हो सकती है। दूसरी बात बाद में शुरू करो, पहले ये बात पक्की करो। ये औरों की बातें कहां से सुनते रहते है? टीवी में आया। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि टीवी में तो आजकल सब तरह की बातें आती है। मीडिया में, मीडिया कहते हैं टीवी को, रेडियो को, अखबारों को, तो अखबारों में एक की बात बोली हुई आती है, या 500 करोड़ में से किसी की भी बोली हुई बातें आ सकती हैं, है? कोई की भी बातें आ सकती हैं, तो टीवी में ये बात आई होगी, उसे लोग कहते हैं माया सभ्यता। माया सभ्यता के हिसाब से जो कैसेट उन लोगों ने निकाली है और जिसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, उनका कहना है कि दुनिया 2012 में खलास हो जाएगी। तो वास्तव में तो दुनिया नहीं 2012 में खलास हो जाएगी। पहली बात है कि दुनिया कहा किसको जाता है? दुनिया में कितने मनुष्य हैं? 500-700 करोड़। और जो दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो कितने महाद्वीपों में फैले हुए हैं? कितने धर्मखंडों में फैले हुए हैं? हैं? अरे 7-8 महाद्वीप है ना, 8-9 धर्मखंड है ना दुनिया में। उन 9 धर्मखंडों में जो भी दुनिया फैली हुई है वो खलास हो जाएगी, ऐसे उनकी मान्यता है। तो वास्तव में दुनिया का जो प्रैक्टिकल रूप है, चैतन्य रूप, वो कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? दुनिया पुरानी है
या भारत पुराना है, ये नहीं कहेंगे कि दुनिया 5000 वर्ष पुरानी है और दुनिया के धर्मखंड 5000 वर्ष पुराने हैं। वास्तव में भारत 5000 वर्ष पुराना है। हाँ, उस 5000 वर्ष पुराने भारत खंड में हर धर्म की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं और आधार मूर्त आत्माएं देखने में आ सकती है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि भारत में ही दुनिया समाई हुई थी। वास्तव में 500 करोड़ की दुनिया भारत में नहीं समाई हुई थी। 500 करोड़ दुनिया का जो जन्मदाता माता है वो कौन है? उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी का भी कोई पार्टधारी चैतन्य में होता होगा कि नहीं? वो पार्टधारी है जगदम्बा। जब संसार में ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत तेजी से फैलने लगा, उस समय लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि ये पृथ्वी, ये सर्व धर्म खंडों वाली दुनिया वास्तव में सच्ची दुनिया नहीं है, ये तो जड़ है। भारत कोई जड़ भारत का नाम नहीं है। जड़ स्थान को महान नहीं कहा जाता। कहते ना मेरा भारत महान, तो क्या स्थान महान? या कोई चैतन्य आत्मा है जो महान? कोई चैतन्य आत्मा है जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा? ऐसे ही दुनिया नाम पड़ता है। दुनिया विस्तार को पाई हुई है। भारत तो बहुत छोटा रूप था, तो जो विस्तार को पाई हुई दुनिया है उसका जो चैतन्य रूप है, उसकी जो चैतन्य बीज रूप आत्मा है, उसके बारे में सबका मनन चिंतन मंथन चलेगा। सारी दुनिया में सब जानते हैं कि एक ही शहर ऐसा है जिस शहर में सारी दुनिया के हर धर्मखंड वालों ने राज्य किया है। वो कौन सा शहर है? दिल्ली। इतनी बड़ी दुनिया में और कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में सभी धर्म वाले लोग रहे पड़े हो। सभी धर्म वालों ने उस शहर की गोद में राज्य किया है, जैसे बच्चा माता की गोद में राज्य करता है। तो वो पृथ्वी माता, वो धरणी माता चैतन्य माता है। एक टाइम आएगा, इसी पुरानी दुनिया में ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया के सब मनुष्य मात्र ये सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सारी दुनिया की माता कौन है। कि कहते हैं प्रकृति प्रकृति रूपेण कृति, नेचर कहते हैं।
वो भगवान की बनाई हुई प्रकट रचना है, जिसकी रचना में भगवान ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी। इतनी ताकत भारत के निर्माण में भगवान ने नहीं लगाई, और कोई भी देश के निर्माण में भगवान ने इतनी ताकत नहीं लगाई जितनी धरती माता के निर्माण में लगाई। धरती माता कहो, पृथ्वी माता कहो, गौ माता कहो, हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे चित्र हैं पुराने पुराने, जिसमें गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं। जिन 33 करोड़ देवताओं में सभी धर्मों की आत्माएं प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो सारी दुनिया जैसे कि गौ माता में समाई हुई है। उसका नाम दिया है कामधेनु। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा जो भी कामनाएं करती हैं, उन सब कामनाओं की पूर्ति मंगल ग्रह के ऊपर होती है, बुध ग्रह के ऊपर होती है, सूरज में होती है, चांद में होती है कि पृथ्वी पर होती है? कहां सब कामनाओं की पूर्ति होती है? पृथ्वी पर होती है। तो ये धरती माता है, ये भगवान की बड़ी पावरफुल रचना है। इतनी पावरफुल रचना है कि माया बेटी इसका ध्वंस नहीं कर पाती, पृथ्वी का और पृथ्वी के निवासियों का। माया नहीं बिगाड़ पाती कुछ भी भगवान के बच्चों का, लेकिन वो ही माया बेटी जब पृथ्वी माता से हाथ मिलाए लेती है तो सारी दुनिया बर्बाद करा देती है। माया हिलेगी, दूसरों को हिलाएगी तो भले दुनिया का विनाश न हो, लेकिन जब पृथ्वी हिलती है, भूकंप आते हैं बड़े बड़े, तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो ये माया सभ्यता वालों में से कोई ने ये संकल्प ये दिखाया कि 2012 में दुनिया खलास हो जाएगी। दुनिया खलास नहीं हो जाएगी, दुनिया कहो या पृथ्वी माता कहो या धरणी माता कहो, उसका 5000 वर्ष से जो गिरती 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 मेंटलिटी बनी है, वो मेंटलिटी जो है वो 2012 में खलास हो सकती है। तो तमो प्रधान पुरानी चैतन्य पृथ्वी कहो, धरती माता कहो, उसकी मेंटलिटी का विनाश हो सकता है, मन बुद्धि का विनाश हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। पहले सूक्ष्म में कार्य संपन्न होगा या पहले स्थूल में हो जाएगा? पहले सूक्ष्म में संपन्न होगा। पृथ्वी की धुरी ही चेंज हो जाएगी। ये बुद्ध रूपी धुरी है, अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्ध रूपी धुरी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है या सीधी चल रही है? रब की टेढ़ी है। वो पृथ्वी की धुरी नई दुनिया में पूरी ही चेंज हो जाएगी। जैसे अभी पुरानी दुनिया में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
छह महीने की रात और छह महीने का दिन होता है। ऐसे ही पृथ्वी की धुरी ऐसी चेंज हो जाएगी कि आधा कल्प के लिए दुनिया में दिन ही दिन होगा, रात होगी ही नहीं। और ब्रह्म सृष्टि कहते हैं ना, ब्रह्म सृष्टि किसको मुकाबले विश्वामित्र भी सृष्टि किया। अरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया नहीं रची गई है? आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया रची गई या नहीं रची गई? रची गई। उसके मुकाबले ब्रह्मा को तो दुनिया मानेगी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मित्र है क्या? किनको पढ़ाई पढ़ा रहा है अभी भी वो आत्मा? किसको पढ़ाई पढ़ा रही है? सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ा रही है या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही पढ़ा रही है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बीकेश का बाप या माँ आई हुई है उसके द्वारा ये कहेंगे। बाकी सारी दुनिया ब्रह्मा के रूप को विश्व का बापू नहीं मानेगी। अभी तो मुरली में आया गांधी जी सारे विश्व का बापू है या सिर्फ भारतवासियों का ही बापू हुआ? सिर्फ भारतवासियों का बापू हुआ। लेकिन कोई बेहद का विश्व पिता भी है, वो है राम बाप, जो सारे विश्व में सुख शांति लावेगा, राम राज्य लावेगा। राम राज्य लाने का काम राम ही करेगा या कृष्ण करेगा? इब्राहिम बुद्ध कैसे करेगा? राम राज्य तो राम ही लावेगा। अयोध्या में इतनी लड़ाई लड़ी किस बात के लिए? राम का मंदिर बनाने के लिए। अरे मंदिर कहा जाता है घर को। राम की इतनी महिमा है, राम राज्य की इतनी महिमा है, तो अपना घर बनाना होगा तो राम खुद बनावेगा या हमें तुम्हें बनाने की दरकार है? हैं? खुद बनावेगा। और बनावेगा भी तो आज के जो साधु संत महात्माएं हैं वो असली राम मंदिर बना पाएंगे या राम वाली आत्मा ही मुखिया बनेगी राम मंदिर बनाने के लिए, बनवाने के लिए? राम वाली ही आत्मा मुखिया बनेगी। और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण बोला। अब सवाल ये है कि 76 से पहले शंकर था क्या? था ही नहीं। जब था ही नहीं तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शिव के बाद शंकर की आत्मा है सर्वोपरि। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, ये सवाल पैदा होता है। 76 से पहले नहीं पैदा होता, क्योंकि वो है ही नहीं, रंगमंच पर मौजूद ही नहीं है। यज्ञ के आदि में प्रजापिता था या नहीं था? था। तो नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता,
ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं कह सकते, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत से निकल पड़े कहे नहीं सके, नहीं कह सकते। अगर नहीं कह सकते तो मुरली में बाबा ने क्यों सुधार करवाया कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना बंद करो। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। अपने नाम से भी पहले ब्रह्मा कुमारी टाइटल रंग है, अम्मा कुमारी रट लगाए पड़े। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं हम। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे मुरली में ढेर सारे महावाक्य हैं जिनसे ये साबित होता है कि 68 से पहले मम्मा बाबा यज्ञ में सर्वोपरि नहीं थे, मम्मा बाबा को भी चलाने वाली कोई और आत्माएं थी, कंट्रोल करने वाली कोई और आत्माएं थी जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इन बातों से साबित हो जाता है कि नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता कह सकते हैं, 76 से पहले भी, और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो अधूरा रूप अभी प्रत्यक्ष हुआ है या संपूर्ण रूप प्रत्यक्ष हुआ है? संपूर्ण चंद्रमा संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ है या अधूरा चंद्रमा प्रत्यक्ष हुआ है? या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने कृष्ण की संपूर्ण आत्मा प्रत्यक्ष हुई है या अधूरी प्रत्यक्ष हुई है? अधूरी प्रत्यक्ष हुई है। जब अधूरी है तो नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण अभी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। फिर नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, मुरली में बोला है, आज से 5,000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो कौन से सन में साबित होता है? 76 माने 76 में बहुतेरे ब्राह्मण होंगे जिनकी बुद्धि में ये टचिंग आ रही होगी कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले व्यक्तित्व कौन है, और जिनकी बुद्धि में ये टचिंग बैठ गई ज्ञान के आधार पर, उनके अंदर ये पक्का निश्चय बैठ गया कि नेक्स्ट टू गॉड शिव इज हु, कौन? नारायण, लक्ष्मी नहीं, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? जिनकी बुद्धि में बैठा है वो कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। बाकी ये नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। शंकर भी जिनकी बुद्धि में बैठ गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती जो कहते हैं वो कहना मुरली में रंग बताया या राइट बताया? हा? भगवान एक होता है या दो होते हैं? तो भगवान भगवती कहना रंग है लक्ष्मी नारायण को, फिर किसको कहें भगवान? भगवान का स्वरूप कौन सा है? जरूर कहेंगे जिसका नाम शिव के साथ सदैव ही जोड़ा जाता है, और किसी देवता का, कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बाप समान पहले पहले बनने वाली एक ही आत्मा है जो संगम युग में बाप समान बनती है। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और ये पार्ट कब से शुरू होता है? 76 से। तो नेक्स्ट टू गॉड ये शंकर कहें या नहीं कहें? हैं? कहेंगे। माने शंकर संपन्न रूप स्टेज में है या सिर्फ मालूमात हो गई है कि ये रूप शंकर का पार्ट बजाने वाला है?
जब हम शंकर कहेंगे तो शंकर का मतलब है कि तीन आत्माएं, शिव की आत्मा, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा, तीनों ही आत्माओं के स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, वाचा एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है अभी नहीं कह सकते। अभी तो ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं बोलती है? शिव बाप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अर्थ करना चाहते हैं, ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके अनर्थ कर देती है। बेसिक में भी ऐसे करती रही, क्या इंटरफियर करके ब्रह्मा की सोल बोलती रही और अभी भी बोलती है। तो शंकर का भी संपन्न रूप अभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर बैल के ऊपर सवार होना चाहिए या बैल शंकर के ऊपर सवार होना चाहिए? है? लेकिन अभी क्या है? है? अभी बैल शंकर के राम वाली आत्मा के ऊपर सवार हो जाता है घड़ी घड़ी, या शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कृष्ण के ऊपर सदाकाल के लिए सवार है? क्या है सच्चाई? बैल शंकर के ऊपर सवार हो जाता है। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर अभी नहीं कहेंगे, लेकिन कोई टाइम ऐसा आएगा या नहीं आएगा जब कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। कब कहेंगे? दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाएं, तो प्रजापिता वो पार्ट ही अलग है। पतित पार्ट है या पावन पार्ट है? प्रजापिता क्या पार्ट है? पतित पार्ट है। लेकिन पतित मनुष्यों के बीच में सबसे श्रेष्ठ पार्ट है या कोई के मुकाबले निष्कर्ष पार्ट है? है? पतित मनुष्य 500 करोड़ हैं इस दुनिया में, चाहे वो बी के हों चाहे पी बी के हों, लेकिन उन सब के बीच में प्रजापिता पतित तो है लेकिन श्रेष्ठ पार्ट है, क्योंकि शिव प्रवेश है, मानना पड़ेगा। इसलिए प्रजापिता अलग और शंकर को पतित कहेंगे? कहेंगे नहीं। शंकर तो फरिश्ता है, या फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता होता है? है? वो तो फरिश्ता है, इस फर्श की दुनिया वालों का उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर अभी नहीं कहेंगे। शंकर अलग और प्रजापिता अलग है? है? शंकर का बताया ना, तीन आत्माओं का संस्कार स्वभाव मिलकर जब एक हो जाए तब शंकर कहेंगे। तब कहेंगे भगवान है तो भगवती भी है, नहीं भगवान है वो भगवान का ये एक रूप है, उसके साथ भगवती नहीं हो सकती। और वैसे भी भक्ति मार्ग में शंकर के साथ सदैव पार्वती या सती दिखाई जाती है या अकेला भी दिखाया जाता है? अकेला है। है? मुरलियां रिसेंट नहीं सुनते हैं इसलिए बार बार वो ही प्रश्न पूछते हैं। जिसे कहा जाता है अत्री माने तीन नहीं है, क्या वो तीन नहीं है? दो भी नहीं है, क्या है?
एक ही है जिसकी पत्नी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो सहयोगिनी शक्तियां हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सर्वोपरि माने जाते हैं, उनकी शक्तियां भी तो सर्वोपरि हो गई। वो शक्तियां भी अत्रि की पत्नी अनसुईया के मुकाबले नीची साबित हो जाती है प्योरिटी में। तो अत्रि अनसुईया के मुकाबले ऊंचा होगा या नीचा होगा है? अरे वो तो पति है ना, जो ऊंच होता है वो नीच के डायरेक्शन पर चलता है, या जो नीचा होता है वो ऊंचों के डायरेक्शन में चलाता है। तो अनुसुईया नीचे हो गई और अत्रि, अत्रि उसे भी ऊपर हुए। तो जो तीन नहीं है सिर्फ एक ही है जिसे गॉड फादर कहा जाता है, उसके साथ पार्वती भी नहीं है, उसके साथ सरस्वती भी नहीं है, उसके साथ लक्ष्मी भी नहीं है, हाँ अनुसुईया है। क्योंकि वैसे भी वो भी विजयमाला से आती है, चंद्रवंशियों से आती है या सूर्यवंशियों से? चंद्रवंशियों से आती है। जो सरस्वती है वो भी ब्रह्मा की बेटी है, और जो पार्वती है वो भी शंकर की पत्नी है। शंकर में, शंकर के नाम रूप से पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग, और शिव के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग। तो जो शिव का असली रूप है जिसे गॉड फादर कहा जाता है, सुप्रीम गॉड फादर, सारे संसार को मान्य है। वो अत्रि और वो अनुसुईया कौन सी माला में होने चाहिए? रुद्रमाला में ही होना चाहिए। तो रुद्रमाला में सूर्यवंशियों का भी कोई बीज है, तो चंद्रवंशियों का कोई बीज है या नहीं? सूर्यवंशियों का बीज होगा वो गर्म मिजाज होगा या ठंडा मिजाज होगा? गर्म मिजाज होगा। और चंद्रवंशी का जो बीज होगा वो ठंडा मिजाज होगा या गर्म मिजाज होगा? ठंडे मिजाज वाले में प्योरिटी ज्यादा होती है या गर्म मिजाज वाले में ज्यादा प्योरिटी होती है? जो ठंडा होता है वो स्वभाव संस्कार में भी ठंडा होता है, योग बल से इंद्रियां शांत होती हैं, ठंडी हो जाती हैं या गर्म होती है? ठंडी हो जाती है। तो कन्याओं माताओं के बीच में योगिनी किसका नाम दिया है? योग में अगर तीखी होगी तभी तो प्योरिटी में तीखी होगी, नहीं तो रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? हैं तो स्वभाव संस्कार से पुरुष, दुर्योधन दुशासन, लेकिन फिर भी उन दुर्योधन दुशासनों के बीच में भी अगर सबसे कोई ठंडे स्वभाव वाली है तो वो एक है जिसका नाम अनसुईया दिया गया है। और जो अनसुईया नाम दिया गया है काम के आधार पर दिया गया होगा, ऐसे ही दे दिया है? काम के आधार पर नाम दिया है। अनुसुईया कहते हैं जिसमें ईर्ष्या द्वेष न हो
अपवित्र में नहीं होगा या अपवित्र में नहीं होगा? जितनी अपवित्र आत्मा होगी उतना दूसरों के प्रति ईर्ष्या देश भरा हुआ होगा, और जितना पवित्र आत्मा होगी कोई के प्रति ईर्ष्या देश नहीं हो सकता। और बता तो दिया जो तीन नहीं है एक ही है। अरे जब शंकर में शिव का प्रवेश होता है तो शंकर नाम शिव का है या शंकर नाम किसी अलग आत्मा का है? है? आत्मा एक पार्ट बजाती है एक शरीर के द्वारा या एक आत्मा दो प्रकार के पार्ट भी बजाती है? है? शिव है। शिव जब शंकर में पार्ट बजाता है तो एक ही पार्ट बजाएगा या दो दो तीन तीन पार्ट बजाता है? एक ही पार्ट बजाता है। तो जो एक पार्ट बजाता है उसे हम राम वाली आत्मा कहें? नहीं कह सकते। उसे कृष्ण वाली आत्मा कहें? नहीं कह सकते। तो जो वो पार्ट है सर्वोपरि प्योरिटी में उसका नाम दिया है अत्रि। प्योरिटी के हिसाब से दो भेद की जो आत्माएं हैं, एक मनुष्य आत्माओं का पिता और एक आत्माओं का पिता, उन दोनों भेद के बापों के बीच में एवर प्योर कौन सी आत्मा है? हैं? मनुष्य आत्मा एवर प्योर है, शिव सुप्रीम सोल। और वो शिव सुप्रीम सोल जो एवर प्योर आत्मा है वो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाती है या राम वाली आत्मा बजाती है? हैं? शिव की आत्मा ही एवर प्योरिटी का पार्ट बजाएगी प्रैक्टिकल में, इसलिए वो आत्री है। और पतित पावन एक आत्मा है या दो है या तीन है? हैं? एक है। और जो पतित पावन एक गाया हुआ है वो एक शरीर के द्वारा गाया हुआ है या दो चार शरीरों के द्वारा गाया हुआ है? माने आत्मा भी पतित पावन एक और जिस शरीर में पार्ट बजाती है वो शरीर भी एक, तब एवर प्योर साबित होता है। और नहीं नहीं आपने 16,000 रख ली होंगी, दुनिया कहेगी आप हैं एवर प्योर। ब्रह्मा ने भी तो 400 ही रख पाई और आपने 6,800 रख ली होंगी, आप एवर प्योर की पार्टधारी हो गए नहीं हो गए? ब्रह्मा बाबा एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है, बीच में बोल देते हैं। वो तो शिव बाबा जब बोलते थे ब्रह्मा के तन में तब भी बोल देते थे। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी जानता है ये मेरा बच्चा बनने वाला है पतियुग में, और जो सुप्रीम सोल बाप है वो भी जानता है ये मेरा प्यारा बच्चा है। ब्रह्मा प्रजापिता के लिए कभी नहीं बोला कि ये मेरा प्यारे से प्यारा बच्चा है, चिकिल्दा बच्चा है। तो प्यार नहीं करेंगे उसको, थप्पड़ मारेंगे क्या? अरे इतना महत्व दिया है उस आत्मा को कि पहले वो निकले इस धधकती हुई अग्नि से, फिर दूसरी आत्माओं को नंबर लगेगा। तब तक दूसरी जलती रहो, जैसे मकान में आग लग जाए और बाप के 10-15 बच्चे हो मकान में, सब जल भूल रहे हैं, तो बाप जो ज्यादा वैल्यूबल होगा उसको पहले निकालेगा या दूसरों को निकालेगा? ज्यादा वैल्यू वाले उसको पहले निकालेगा। तो सृष्टि का पहला पत्ता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। तो प्यार है, सुप्रीम सोल को भी उसके प्रति प्यार है।
और मनुष्य शक्ति के बाप को भी उसके प्रति प्यार है, इसलिए गलती भी करता है तो भी छोटे बच्चे को क्या करते हैं, प्यार ही करते हैं या थप्पड़ मार देते हैं, प्यार ही करते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पंच वर्षाने लाड़न्ते दस वर्षाने ताड़न्ते तत्पश्चात पुत्र पुत्रेण मित्रवत समाचरित। 5 वर्ष तक प्यार ही प्यार करते रहो, बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, लाल लाल आंखें नहीं दिखाना चाहिए, उसमें प्यार के संस्कार भरे। उसके बाद 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक उसकी ताड़ना भी की जा सकती है, नहीं मानता है हट करता है पिटाई भी कर सकते हैं, डांट डपट भी कर सकते हैं। 15 साल के बाद पुत्रेण मित्रवत समाचरित, माने पुत्र के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए। वो हमारा बच्चा नहीं है 15 साल के बाद, क्या है, मित्र है। तो ये बच्चा कैसा है, है, है? छोटा बच्चा है, है? जब उसकी बुद्धि में ये बात बैठे गीता का भगवान, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि नहीं? हाँ, 1 सेकंड की बात, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि में बैठी कि नहीं गीता का भगवान कौन है? तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई, इसका मतलब तुम अभी बड़े बच्चे हो, तुम्हारे मुकाबले वो अभी छोटा बच्चा है। हाँ, वो अपनी समझ के हिसाब से जानता है। हाँ, और बाबा तेरे कांटे से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार बोलते है ना। ये कांटे और ये फूल प्रजापिता के हैं, सुप्रीम सोल शिव ने बोल रहे हैं ना, तेरे में ना प्रजापिता के लिए एड्रेस करके बोल रहे हैं ना। ये कांटे और फूल जो दुनिया में है वो प्रजापिता के हैं, कांटे तो कहेंगे चलो प्रजापिता के हैं, लेकिन फूल तो प्रजापिता के नहीं है। कांटे के कांटे ही पैदा होंगे कि फूल पैदा हो जाएंगे, मिले न फूल तो ये शिव बाबा कह सकता है क्या, कि इस दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक की दुनिया में मिले न फूल, एडवांस ज्ञान सुनने वाले तो किससे दोस्ती कर ली, कांटों से दोस्ती कर ली। और हाँ जी, पचास साल का संगम युग पढ़ाई के लिए बोला है तो वो कहाँ से कहाँ तक, 50 वर्ष है पढ़ाई तो बताओ, पढ़ाई कब से शुरू होती है, है? है? कुछ है? और कोई बात, दो लोगों ने बोला 76, कोई और भी कुछ बोल रहा है, पढ़ाई कब से शुरू हुई, बात बदल गई माता। माता बोल रही है पहले बोला 76, अभी बोला 47 से पढ़ाई शुरू हुई, टीचर का पार्ट 47 से 37 से 67 से 8 से या 76 से 76 से टीचर का पार्ट, और टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। बाबा मुरली ने बताया था अभी तक पढ़ाते 70 साल हुआ पढ़ाई पढ़ते 70 साल हुआ, वो अम्मा की भी तो पढ़ाई होती, वो ऐड कर दी होगी, अम्मा की पढ़ाई ऐड कर दी। वास्तव में अम्मा जो घर में पढ़ाती है 5 साल के बच्चों को
वो कोई पढ़ाई मानी नहीं जाती है। स्कूल में जब बच्चा दाखिल किया जाता है तब पढ़ाई मानी जाती है, और यहाँ तो एक ही टीचर है। माने तुम अम्मा को भी टीचर मानते हो, ऐसी बात नहीं? अच्छा, तो 50 साल का संगम युग है, सन 76 से जोड़े हैं तो कब तक होता है पूरा? अरे कब तक पढ़ाई है? मुरली में तो बता दिया, जब तक जीना है तब तक पीना, काय में जीना है तो कब तक जिएंगे? देवान में नंबरवार आत्माएं कब तक जिएंगी? कोई कोई आत्माएं ऐसी होंगी जो 36 तक देवान में जीती रहेंगी, और उनके लिए पढ़ाई चलती रहे। तो कितने साल की पढ़ाई हुई? 50 साल पढ़ाई हुई, 76 से लेकर के 2036 तक। हाँ, भूले आए शायद आप कैलकुलेटर भूले आए, एक कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। छिहत्तर से 2000 तक 25 साल, 76 से 2000 तक कितने साल? 25 साल, फिर 2001 से लेकर के 25 तक 25 साल, तो 50 साल हुए। 2025 तक 50 साल हुए, अगर 2036 कहेंगे तो कितने साल हुए? हाँ, तो वही तो यहाँ बताया जा रहा है। अरे किस बच्चे की बात हो रही है, वो तो तुम भूल ही गए। पढ़ाई किस बच्चे की है पहले, वो कृष्ण बच्चा कब है पीपल के पत्ते पर? अरे भूल गए, अभी अभी बताया, अभी अभी कनेक्शन तोड़ दिया। अरे मूल पढ़ाई किस बच्चे की है? हैं, कृष्ण बच्चे के लिए मूल पढ़ाई है। वो कृष्ण वाला बच्चा जो है, कृष्ण बच्चा जो है वो 1987 तक तो उसकी 100 वर्ष आयु ब्रह्मा की पूरी होती है मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक की पढ़ाई पढ़ेगा या अमरलोक की पढ़ाई पढ़ेगा? अमरलोक की पढ़ाई पढ़ेगा। तो कौन सा वर्ष हुआ? हैं, 87। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाबा, 60 साल का संगम युग राजधानी स्थापना से संबंधित है क्या? 60 साल का संगम युग राजधानी स्थापना से संबंधित है, 60 साल में राजधानी की स्थापना होती है, तो कब से कब तक? इसी में वो भी छुपा हुआ है, बताओ। अरे बाप आते किस लिए? स्थापना करने के लिए। क्या स्थापन करने के लिए आते हैं? राजधानी स्थापन करने के लिए आते हैं। और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, और बाप राजधानी स्थापन करने आते हैं। तो कब से कब तक? अरे अभी अभी तो सारी बात हो गई, 2076 से 2000, हाँ दो नहीं नहीं 1976 से 2036 तक, ये 7 साल पूरे हो गए। 2036 पूरा होगा और 9,16,108 ये राजधानी पूरी की पूरी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन होने में कितना टाइम लगता है? हैं, 7 साल। और हाँ जी,
है हाँ हाँ वो कौन है? वी माने विशेष, भीषण माने भयंकर। तो जितने भी पार्टधारी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनसे सबसे ज्यादा भयंकर पार्टधारी कौन है? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जल्दी बताओ। अरे तुम्हें किसी से डर लगता है कि नहीं लगता है? हेलो नास्ते क्या कहता, हमें किसी से डर नहीं लगता, बोलो जल्दी। अरे ज्ञान में चलने वालों को किसी से डर ही नहीं लगता अभी है? पाप करते जाते हैं और डर किसी से नहीं लगता है? रावण से डर लगता है, धर्मराज से। नहीं समझे अभी है क्या है? क्या आत्मा पार्ट बजाती है या शरीर पार्ट बजाता है? तेरी नहीं भूला, सारा ही भूला का भूला ही बना रहता है। बाबा क्या बताते, पार्ट आत्मा बजाती है या शरीर पार्ट बजाता है? आत्मा बजाती है, हमें आत्मा को पकड़ना है शरीर के द्वारा। शरीर तो यंत्र है, पंखा है, पंखा थोड़ा ही चलता है। करंट है, जाएगा तो चलेगा, नहीं तो पंखा बंद। तो शरीर तो यंत्र है, मोटर गाड़ी है। देश नाले सारी भूल गया। आत्मा तो हरिदास जी कहा गया है। तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है रावण का प्राण नहीं। तो वो ही बात बताई कि विभीषण विशेष भयंकर पार्टदारी कौन हुआ तुम्हारे लिए? बस। और धर्मराज कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा ने ही तो बताया है कि उसकी नाभि में बाण मारो, बताया कि नहीं? अभी ब्रह्मा बाबा ने अभ्यतवाणी में विजय माला का आवाहन करो। तो विजय माला कहाँ बैठी हुई है? बगल में बैठी हुई है क्या? कहाँ है? अरे विजय माला की जो हेड है, जहाँ 16,000 नसें नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, उसी स्थान पर होगी ना कि दूसरी जगह होगी ना? अभी मैं और देखो किसी ने हाँ बोलो पूछा है। हाँ अपने को चेक करना है कि हमारी आंखें कोई क्रिमिनल काम तो नहीं करती। क्वेश्चन किया है, जवाब नहीं दिया है, पूछा है। अपन को देखना है, अपन को चेक करना है कि हमारी आंखें कोई क्रिमिनल काम तो नहीं करती। हाँ बोलो। इसीलिए पूछते हैं कि अपने को रोज रात को चेक करो कि हमारी आंखों ने सारे दिन में कोई क्रिमिनलिटी तो नहीं की, क्रिमिनल काम तो नहीं किया। बहुत से तो यही नहीं समझते आंखें क्रिमिनल काम क्या करती हैं, करते रहते हैं और जानते हैं ही नहीं। अरे किसी की लड़की है, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, जा रही है मामा के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, जा रही है पति के साथ। अब हम बैठ गए, आंखें लड़ रही है, जब मौका मिला देखा ये सब इधर उधर देख रहे हैं। वो तो बेचारी है ही कमजोर, वो भी आ गई चक्करी में, वो भी आंखें मिल रही है। अब जिसको आंखों से देखा जाएगा लगाव पूर्वक, वो फिर बाद में याद आएगा कि नहीं आएगा? हैं? अब पुरुषों को ज्यादा याद आएगा
या स्त्री चोले को ज्यादा याद आएगा? ज्यादा याद किसको आएगा? याद का कनेक्शन प्योरिटी वाले से ज्यादा है या इम्प्योरिटी वाले से ज्यादा है? अरे जो जिसमें ज्यादा प्योरिटी होगी वो अगर संग का रंग करेगा तो उसको ज्यादा याद आएगा या अपवित्र को ज्यादा याद आएगा? हैं? अच्छा, 900 चूहे खाए बिलैया हज को चली कहते हैं ना, जिसका धंधा ही है जहां जाएगी वहां चूहे मार मार के खाएगी तो उसको डर लगेगा? हैं? उसको पाप ही नहीं बनता उतना। कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा है उसको गाय काटने का उतना पाप नहीं, उसका मन खाएगा ही नहीं। मान लो कन्या है, कन्या है, कन्या का पहला पहला कनेक्शन हुआ इंद्रियों का, आंख का ही समझ लो, तो कन्या को ज्यादा याद आएगा? या जिसने 10 शादियां कर ली हैं उसको ज्यादा याद आएगा? कन्या बिचारी कोमल है, ज्यादा पवित्र है, छाप पड़ जाती है बुद्धि पर। जैसे बच्चा होता है, बच्ची करने गया तो बच्चे को बाबा ज्यादा याद आएगा या बुड्ढों को ज्यादा याद आएगा? है? बच्चों की बुद्धि पर छाप पड़ जाती है पक्की, क्योंकि प्योरिटी ज्यादा है। प्राणायाम करना क्या सही है या गलत? बात 100% सही चाहते हैं या 50% सही और 50% गलत रास्ता चाहते हैं? तो 100% जो रास्ता है वो कोई भी हठ योग नहीं है। ये शरीर के प्राणायाम, ये शरीर के आसन, ये शरीर की एक्सरसाइज है, ये सब मनुष्यों की बनाई हुई है। इनसे शरीर पूरा तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बीज को सुधारना पड़े, वो बीज के बारे में कोई जानता ही नहीं। आत्मा बीज है शरीर का। और प्रश्न आया है, गंगा को विष्णु जी के चरणों में दिखाते हैं और वही गंगा को फिर शंकर के माथे पर दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई एक टाइम पर दिखाते हैं या अलग अलग टाइम है? एक टाइम पर विष्णु के चरणों में है, उसके चरणों से बंधी हुई है, माने बुद्ध रूपी पांव से बंधी हुई है। फिर दूसरे टाइम पर शंकर जी की जटाओं में बंधी हुई है। फिर तीसरे टाइम पर जटाओं से भी छोड़ दिया, स्वतंत्रता दे दी, दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आती है, जटाओं से भी कनेक्शन रहता है। तो तीनों रूप अलग अलग हैं गंगा के। जब जटाओं से कनेक्शन खत्म हो जाता है, शंकर के बुद्धि का आसरा लेना गंगा बंद कर देती है, तब गंगा मैली होती है। जब तक शंकर से कनेक्टेड है, संबंधित है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो पतित पावनी है।